टिक्कियाँ हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी तैयार हो चुकी हैं, और केचप के साथ आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की टिक्कियाँ, और जिसके लिए हमने लिया है 1 कप मूंग की दाल और उसको बॉयल कर लिया है। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, उसे बॉयल करके मैश कर लिया अच्छी तरह से। 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च लिए हैं और धनिया कुछ लिया है, उसको बारीक काट लिया है। अब डालेंगे हसबे ज़रूरत नमक। अब इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच घी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा और 1 चुटकी अजवाइन। हाथों पे ऑयल मैंने लगा लिया है और अब इनकी टिक्कियां बना लेंगे। टिक्कियों को डिप करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सुर्ख मिर्च। टिक्कियों के लिए जो घी लिया था वो गर्म हो चुका है, अब इसको अंडे में डिप करके टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। टिक्कियाँ हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी तैयार हो चुकी हैं, और केचप के साथ आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार हैं ये। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका अल्लाह हामी व नासिर, खुदा हाफिज़।